मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आए और आप अपने ओजस्वी विचारों के उत्तर प्रदेश में संबोधन करें। भाई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश के अंदर जो है संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। जब हम लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार, मजदूरों के ऊपर अत्याचार का विरोध करते हैं और तमाम पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं इसका विरोध करती हैं, तो हम लोगों को जो जेल में डालने का काम किया जाता है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है हम लोग के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। आज हाथरस का कांड आप देख लीजिए, उसके बाद बदायूं में 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, आजमगढ़ में हुआ, बलरामपुर में हुआ, लगातार जो है दिन प्रतिदिन हर 6 मिनट में एक बच्ची का बलात्कार पूरे देश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुजन क्रांति मोर्चा और अम्बेडकर मिशन इंडिया, उत्तर प्रदेश VHW संघर्ष मोर्चा सभी के तत्वाधान में यहाँ पर हम लोग मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी जब लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रही गई है, जब प्रेस मीडिया के लोग भी हाथरस जाने के लिए वहाँ प्रतिभा मिश्रा गई तो उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, योगी सरकार से, आपको कौन सा डर सता रहा था कि जब वहाँ पे प्रतिभा मिश्रा जा रही थी तो आपने उसको रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस के सामने भी प्रेस और सभी मीडिया के सामने जो बोलती, जो हाथरस की महिला बोलती, जो बच्ची के साथ रेप हुआ था उसकी माँ बताती, तो उसको लिखने का सबके सामने उजागर होता, लेकिन उसको दबाने का काम किया गया। SIT का जांच हो रही थी, हम लोग को ऊपर SIT के ऊपर भरोसा नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन जज की कमेटी बने उसमें जांच की जाए और CBI के साथ में मानव अधिकार आयोग, साथ में SC ST आयोग के महिला आयोग सभी इसमें कमेटी में रखा जाए, इस जांच कमेटी में, तभी हम लोग को न्याय मिलेगा। जिस तरीके से लड़की को साथ रेप हुआ और उसकी लाश जला दी गई, कौन से संविधान में लिखा है, धारा 21 के अंतर्गत, धारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है ये लिखा गया है कि आपको अपने जीने का अधिकार, अपने जीवन को जीने का अधिकार है। और मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और तमाम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूँ, तमाम प्रेस मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं। धारा 21 का उल्लंघन करके सरकार ने जिस तरीके से उसको पेट्रोल फूंक कर उस बच्ची के लाश को जलाने का काम किया और पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण की बाढ़ सी आ गई है, तो हम लोग राष्ट्रपति, माननीय महामहिम राष्ट्रपति से भी ये मांग करते हैं कि धारा 356 का प्रयोग करके इस सरकार को, इस नकम्मी सरकार को, इस महिला विरोधी सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस मजदूर विरोधी सरकार को, इस छात्र विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि यहाँ पे संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। साथियों आज लोग हम लोग सड़क पर उतरे हैं लेकिन आज देख रहे हैं कि हम लोग को जुलूस नहीं निकालने दिया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा जा रहे हैं। लोकतंत्र में धारा 14 से लेकर 30 तक जो है हम लोग को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन हम लोग विरोध करने का भी अधिकार हम लोग से छीन लिया गया है। और लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ इस सरकार को, जिस दिन पूरा 85% जो सारे लोग वामन मेश्राम के उसमें 85% और सारे बहुजन समाज के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएंगे तो इस सरकार बच नहीं पाएगी। हम लोग सड़क से संसद तक और खेत से कल्याण से निकलकर सड़क संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जय भीम, जय बहुजन समाज। नाम मनोज कुमार चौधरी, अम्बेडकर मिशन इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। का जो है स्वास्थ्य विभाग का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। हम लोग राज्यपाल के माध्यम से इस सरकार को भी मांग करते हैं कि इनका परिणाम घोषित किया जाए जल्द से जल्द। कौन सा परीक्षा है? 2015 का स्वास्थ्य कर्मी पुरुष स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में जो जुल्म से कम अत्याचार बढ़ रहा है उसके खिलाफ आप लोग सड़कों पर उतरे। कल को जब इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा तो सारे लोग इस बात की गवाही होंगे कि हम लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। जब हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा था, हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, सारे लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा था, तब हम लोग सड़कों पे उतर के संघर्ष कर रहे थे, ना कि घर में बैठ के आराम कर रहे थे। ऐसे आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो घरों में बैठ के आराम कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के खिलाफ हम लोगों की जारी है। जैसे कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 1 अक्टूबर को ही यह घोषणा किया कि हम लोग पूरे प्रदेश में 5 चरणों में आंदोलन करेंगे।
और उस आंदोलन के अंतर्गत आज तीसरे चरण का आंदोलन आज पूरे भारत में सिर्फ आपके इलाहाबाद में ही नहीं आंदोलन हो रहा बल्कि पूरे भारत में आज रैली प्रदर्शन का आंदोलन हम लोगों ने किया और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को रैली प्रदर्शन नहीं किया जाने दिया, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा भर किया गया है। तो हम लोग सरकार को और सरकार जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं उनको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आप लोग अपराधियों को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे, लोगों के साथ न्याय करना बंद नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी कंडीशन में आपको सरकार चलाने देने वाले नहीं है। यदि आप लोग संसद से कब्जा कर सकते हैं तो सरकार हमारी है, इसीलिए हम लोग जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।